क्यों समझे ये बैठे थे के हम तुम्हारे हैं। मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं। अच्छा ये बताएं आपने काजिम के बारे में क्या सोचा? मैं उसके बारे में क्यों सोचूंगी? फूफो ने जवाब मांगा है। हाँ तो दे देना जवाब, मेरा जवाब पहले दिन से ना ही है। भाई जो मेरी मर्जी होगी वही उनकी खुशी होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ फिर तो भाग जाएंगे। आपको तस्वीरें लेने का बहुत शौक है। नहीं एक्चुअली क्या है कि जब सामने कुछ बहुत ही खूबसूरत हो तो मैं खुद को रोक नहीं पाता। भले सामने वाला इजाजत दे या ना दे। बड़ी आपा आई थी आज तो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि वो क्या बात करने आई होंगी। उन्होंने एक हफ्ते का टाइम दिया, जवाब देना है हमें उन्हें। तो अम्मी आपको मेरा जवाब पता तो है, आप दे दें जवाब। कि तुम्हारे इनकार की कोई वजह भी तो हो। मुझे काजिम नहीं पसंद, मुझे उसे शादी नहीं करनी। लेकिन क्यों? कि नहीं पसंद। देखो बेटा तुम्हारी मामा सिर्फ इसलिए परेशान हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि बेमकसद एक अच्छा रिश्ता हासिल कर लाए। शादी तो करनी है ना, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो फिर काजिम में क्या बुराई है? भाई घर का लड़का है, देखा भाला है, हैं? पापा प्लीज। जोया अब हम तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं हैं। तुम्हारे इस बचपने की वजह से मैं इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने नहीं दूंगी और ना ही बड़ी आपा को नाराज करूंगी। सीधी तरह से इनकार की वजह बताओ वरना इसी हफ्ते में हाँ कर दूंगी तुम्हारे इस रिश्ते के लिए। अम्मी लेकिन 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 कुछ नहीं, मुझे सीधा सा जवाब चाहिए और बस। मैं किसी और को पसंद करती हूँ। किसको? रायान। तो फिर वो उसका नाम दानियाल है, वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। सोया हम कितने अरसे से तुमसे पूछ रहे हैं और तुम हो के? अम्मी वो MBA कंप्लीट होने से पहले रिश्ता नहीं भेज सकता था, इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं बताया। लेकिन मैं शादी उसी से करना चाहती हूँ। शायन जाने कब से झूठ बोल रही है हमसे। अरे हमने उसे आजादी इसलिए दी थी, इसलिए उस पर भरोसा किया था कि वो हमारी मोहब्बत का ये सिला दे। पता नहीं कौन लड़का है, क्या है, किस खानदान से उसका ताल्लुक है। हैरत तो मुझे भी बहुत हो रही थी। मैं तो समझती थी कि रयान के लिए ये सब कुछ करती है वो। अरे रयान तो फिर भी हमारे आंखों के सामने पला बढ़ा है, हम जानते हैं उसे, अच्छा बच्चा है वो। लेकिन ये क्या है? मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन अब जोया से पूछा है तो मालूमात कराई नहीं, और आपको तो पता है वो कितनी जिद्दी है। जब तक अपनी पसंद मनवा नहीं लेगी हमारी पसंद के बारे में सोचेगी भी नहीं। तो उसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी मनमानी करती रहेगी और हम उसकी हर बात बगैर कुछ कहे सुने मानते रहेंगे? नहीं हरगिज नहीं। आप उस लड़के से मिल तो ले, क्या पता है जोया की पसंद वाकई बहुत अच्छी हो। और फिर आप ही ने तो कहा था ना कि हम जोर जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। मिलने के बाद अगर आपको समझ ना आए तो आप बड़ी आपा को यहाँ कर दीजिएगा। ये सोचा जा सकता है। ठीक है ये भी करके देख लेते हैं। सुझन में डाल दिया इस लड़के ने। क्या हुआ, कुछ कहा उन्होंने? नहीं वो कब से कमरे में है और दरवाजा बंद है। पता नहीं यार ऐसा कौन सा डिस्कशन हो रहा है। आपा आपको ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी। अनम कैसे बताती, और अभी बता दिया ना, क्या फायदा हो गया?
पहले हर वक्त कहते थे वजह बताओ वजह बताओ, अब जब बताई है तो उन्होंने बात नहीं मानी। अच्छा हुआ पहले नहीं बताया। आपको अपनी कोई बात गलत नहीं लगती यार? प्लीज अभी मैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में हूँ और टेंशन मत दो। अच्छा सुनो बैठो बैठो। यार अब्बू तुम्हारी बात सुनते हैं, तुम उनसे कहो दानियाल बहुत अच्छा है, उनको बहुत पसंद आएगा। एटलीस्ट उस कजिन से तो बहुत बेहतर है यार, तुम बात करोगे ना वो मान जाएंगे मुझे पता है। प्लीज। अच्छा ठीक है उन्हें बाहर तो आने दो, फिर मैं उनसे जाके बात करती हूँ। थैंक यू। Well, I think तीन coffees, cappuccinos? नहीं। पर चाय? नहीं। मेरा ख्याल है कि हमें starters में कुछ order करना चाहिए। Starters में? कोई problem? अब no problem यार। जो भी आप लोग order करना है, please go ahead, order कीजिए। I think हमको grilled chicken salad करना चाहिए। हाँ main course भी लिख लीजिए आप साथ में। बिल्कुल। आप दो quiche कर दें। दो बर्गर विद एक्स्ट्रा फ्राइज कर दें, उसके साथ आप कर दें फाहिता पिज्जा लोगे? हाँ है ना, पिज्जा भी कर दें साथ में और 6 डोनट्स भी कर दें। या फिलहाल इतना काफ़ी है। और क्लब सैंडविच भी करवा लें? हाँ क्लब सैंडविच भी कर दें दो। और आप क्या लेंगे? जी जी कॉफ़ी ब्लैक। और हमें कुछ और ऑर्डर करना होगा तो हम आपको दोबारा बुला लेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू। एक्चुअली इतने दिनों से डाइटिंग कर रही हूँ ना, तो शादी में कुछ ही दिन रह गए, सोचा कुछ खा पी लूँ। तो लगता है सब आज ही खा जाएंगे यार। क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब है कि कल का तो पता ही नहीं है कि हो ना हो, क्या पता। तो जो भी आज खाने का दिल करे वो खा लेना चाहिए। और आपको देख के तो 1% भी नहीं लगता कि आपको डाइटिंग की जरूरत है। आप खाएं, देखिए मेन्यू में शायद कुछ और इंटरेस्टिंग हो, वो भी आज लगे तो ऑर्डर कर ही जाए। प्रॉन्स तो ऑर्डर ही नहीं किए, कर लेते हैं। चलो ये जब खा लेंगे उसके बाद हम प्रॉन्स ऑर्डर करेंगे। और मीठे में? हमने फैसला किया है कि दानियाल और उसकी फैमिली से मिल लेंगे, लेकिन इसी हफ्ते। अभी हम सिर्फ मिलेंगे। अगर वो लड़का और उसके घरवाले हमें अच्छे न लगे तब भी तुम्हारी बात काजिम के साथ ही तय की जाएगी। लेकिन इसी हफ्ते हमारी मोहब्बत का नाजायज फायदा मत उठाओ जोया। तुम क्या समझते हो इतना सब कुछ जान लेने के बाद भी हम तुम्हें यूनिवर्सिटी भेजते रहेंगे? तुम्हारी बात तो इसी हफ्ते तय होनी है, अब चाहे दानियाल से हो या काजिम से। पापा I'm really sorry, प्लीज मुझसे नाराज मत हो, प्लीज। आइंदा मुझसे कभी कोई बात मत छुपाना, समझी? उसमें आप ये सब कुछ पैक कर दें और 3 चॉकलेट केक के स्लाइसेस, कॉफी केक का स्लाइस भी कर दें, घर वालों को बहुत पसंद है। हाँ ये ठीक है, कर दें कर। तुमने ट्राई किया? क्या बात है आप परेशान लग रहे हैं। अरे नहीं बिल्कुल भी नहीं, परेशानी किस बात की, नहीं ऑल गुड। आपका कार्ड तो चलता है ना, वरना पता चले कि दुल्हन शादी वाले दिन आके बर्तन धो रही है। अरे नहीं नहीं हमारे होते वैसा कैसे हो सकता है,
और कार्ड बिल्कुल चलता है। इनफैक्ट अगर आप लोग चाहें तो दो केक के स्लाइसेस मेरी तरफ से और। अरे नहीं नहीं थैंक यू, काफी है। अच्छा जी जी, आप जब कराची आएंगी तो इससे बड़ी ट्रीट दूंगा मैं, आई प्रॉमिस यू। थैंक यू सो मच आयन भाई, प्लेजर इज ऑल माइन जी, इट्स ऑल माइन। नहीं चलेगा, चलेगा चलेगा, दोबारा ट्राई कर। तीन बार ट्राई कर देखो। क्या बात है? नहीं कोई बात नहीं, वो एक्चुअली जिद कर रहा है कि कमेंट कार्ड जरूर भर के जाएं। तो मैंने कहा कमेंट कार्ड तो सारे ही भरते होंगे, मैं क्या कब मैं किचन में जाके शेफ का हाथ पकड़ के मिला के फिर थैंक यू करना चाहता हूँ, इतना जबरदस्त खाना जो बनाया है उन्होंने। लेकिन आपने तो सिर्फ कॉफी पी है, आपने तो कुछ खाया भी नहीं। जी वही तो, हालांकि मैंने सिर्फ कॉफी पी, फिर भी मैं थैंक यू करना चाहूंगा क्योंकि कॉफी भी मैंने जिंदगी में इससे पहले कभी ऐसी पी ही नहीं। तो आप लोग बैठिए, मैं आया बस दो मिनट। चल भाई, टू मिनट सर, चल। लेकिन सर, हाँ किचन में ही तो जाएंगे। आजा आजा। भाई अब मेरी इज्जत ना सिर्फ तेरे हाथ में, एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ मैं, हैं? लेकिन सर देखे, देखो मैं फंसा हुआ हूँ, नौकरी चली गई, जेब में पैसे हैं नहीं, हालात थोड़े टाइट हैं, और इस लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में इस रेस्टोरेंट के अंदर आ गया मैं। मैंने सोचा तीन कॉफी पी के फारिग हो जाएंगे, पर मैं सोच भी नहीं सकता था कि इन लोगों की जो खुराक है ना वो जिन्नात जितनी निकलेगी। लेकिन पैसे तो आपको देने होंगे। पैसे दिए बगैर मैं जा ही नहीं सकता यहाँ से, मुझे नहीं पता होगा, मैं पैसे दे के जाऊंगा तुझे। देख मैं भी क्या कह रहा हूँ, अभी हम जब इन लड़कियों के सामने जाएंगे ना तो तू बिल्कुल ऐसे एक्ट करी जैसे मैंने तुझे पैसे दे दिए पूरे, और तुझे टिप भी दे दी, खुशी खुशी जाएंगे। उसके बाद इनको इनकी गाड़ी तक छोड़ेंगे, जैसे अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के अपने घर के लिए रवाना होंगी, मैं यहीं पे हूँ तेरे पास, पैसे दे बगैर नहीं जाऊंगा, दोस्त को फोन करूंगा पैसे लेके फौरन तेरे पास पहुंच जाएगा, आई प्रॉमिस यू मेरे भाई, मैं वादा कर रहा हूँ। प्लीज देख, मोहब्बत के अंदर इंसान खुआर तो होता है ना, तूने भी कभी ना कभी मोहब्बत की होगी, है प्लीज, कोई भाभी होंगी हमारी, खालदा सलमा, हाँ उनके लिए कर दे। सलमा नहीं, किरण, किरण भाभी के लिए कर दे प्लीज मेरा भाई, प्लीज डन। बड़े पापड़ बेले, और हम सब पापड़ी तो बेलते हैं, मैं भी तो पापड़ी बेल रहा हूँ, लेकिन भाई भाई एक दूसरे के काम आते हैं ना, मेरा भाई प्लीज, मेरा भाई तू मेरे काम आ जाएगा ना आज, तो यकीन कर मैं तुझे कभी भूलूंगा नहीं, डन। अच्छा ठीक है, थैंक यू, चल आजा, खुशी खुशी बाहर जाएंगे। वो सामने दो दो लड़कियां बैठी थी, वो कहाँ गई? वो तो चली गई। कहाँ कब? बिल दे के चली गई। उन्होंने बिल दिया? जी, कैटी सर की प्रॉब्लम हो गई है। थैंक यू, वेलकम। से बात करेंगे, अब तो करनी पड़ेगी, वो मान जाएंगे, मैं उन्हें मना लूंगा। सच? जो बात दो महीने बाद होनी है वो आज ही क्यों ना हो जाए। मॉम थोड़ा सा टेंशन में आएंगी लेकिन मैं उन्हें मना लूंगा। थैंक यू सो मच, अभी टेंशन नहीं हो रही है। तुम्हें मेरे होते हुए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम जानती हो ना हम उसे लव यू, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन किसी और से शादी करने का तुम सोच भी नहीं सकती, और तुम्हें सोचना भी नहीं। ये कैसी है? अच्छी है, कलर भी अच्छा है। ये देखो तुम्हारी, तुम्हारे इयररिंग्स मेरे पास आ गए। ये मेरे इयररिंग्स नहीं है, तुम्हारे नहीं है तो फिर इन बैग में कैसे आए? मुझे कैसे पता
जहां तक मुझे याद है हमने तो आज की ज्वेलरी खरीदी भी नहीं है। पता चला ये रिंग्स किसके हैं? आप मेरे हैं। तुम भी कमाल हो, अपनी ही चीजें भूल गई। हम क्यों समझे ये बैठे थे के हम तुम्हारे हेलो बेटा। हेलो। सो हाउ वाज योर डे टुडे? माय डे वाज गुड। जी नाइस। इट इज नाइस। वो मॉम मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो बेटा क्या बात है? वो मैं शादी करना चाहता हूँ। ये अचानक से शादी का ख्याल कैसे आ गया तुम्हें? नहीं नहीं मॉम अचानक से नहीं, मैंने काफी अरसे से ये बात तय की हुई है। अच्छा काफी अरसे से सोच रहे हो, फिर तो लड़की भी देख रखी होगी। मॉम उसका नाम जोया है, मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, बहुत ही अच्छी लड़की है। आई एम श्योर आप भी उससे मिलेंगी ना तो आपको भी बहुत पसंद आएगी। लेकिन दानियाल बेटा मैंने कहा था ना कि पहले तुम अपना MBA कंप्लीट कर लो, डिस्कस करेंगे शादी। मॉम MBA तो कंप्लीट होने ही वाला है, उसकी फैमिली चाह रही है कम से कम हम जाके बात तो तय कर लें। ऐसे कैसे बात तय कर लूं? मैं जानती नहीं, पता नहीं कौन लोग हैं क्या हैं, पहले फैमिली का तो बताओ ना, ऐसे कैसे शादी हो जाए? मॉम आई रियली लव जोया, मैं सिर्फ उसी से शादी करना चाहता हूँ, और बात अभी तय हो या दो महीने बाद इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है, आखिर पता तो चले कि उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और उसके वालिद क्या बिजनेस करते हैं। वो कोई बिजनेस नहीं करते, बहुत सिंपल सी फैमिली है, एक कंपनी में मैनेजर की जॉब करते हैं। पागल तो नहीं हो गए हो तुम? हाँ शहर के बड़े बड़े घरों से तुम्हारे लिए रिश्ते आ रहे हैं, ये तुम किस लड़की के चक्कर में पड़ गए हो? मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। अभी तुम जिंदगी की हकीकत से वाकिफ नहीं हो ना, इसीलिए तुम्हें ये सारी चीजें बॉदर नहीं कर रही हैं। मैं सिर्फ जोया से शादी करना चाहता हूँ, और आप इसी हफ्ते उनके घर जाके रिश्ते की बात करेंगी, ओके? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं फैसला कर चुका हूँ, मेरी राय की कोई अहमियत नहीं। ये मेरी जिंदगी है, मुझे अपनी शादी का फैसला करने का पूरा हक है। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं होती है, बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं, और यहाँ यहाँ तो मुझे कोई मैच ही दिखाई नहीं देता। मॉम मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ जोया से, और अगर आप वहां पे नहीं जाएंगी ना तो मैं चला जाऊंगा। सोया मैं यहाँ सिर्फ दानियाल की जिद की वजह से आई हूँ, क्योंकि उसने मुझे मजबूर किया था, वरना मैं तो पहले दिन से इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। तो क्या जरूरत थी आपको यहाँ आने की? हमें बेइज्जत करने के लिए आई हैं आप यहाँ? मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे क्या कर रही हो? दानियाल की कॉल का इंतजार कर रही हूँ। कौन सी कोई नई बात? आज तो वाकई नई बात है। सर, वो क्या? वो अपने पेरेंट्स को लेकर आ रहा है, रिश्ते की बात करने। वाकई आ रहा है? हाँ हाँ, अम्मी अबू की तरफ से डेडलाइन मिल गई है, उनको सब कुछ बताना पड़ गया यार। चलो अच्छा किया। हाँ तुम कब वापस आ रहे हो?
पता नहीं, अभी इस बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं। क्यों? शादी तो खत्म होने वाली होगी, फिर किस बात का इंतजार है? शायद अपनी शादी का। अच्छा सुनो, उस लड़की से कुछ बात आगे बढ़ी? हाँ ना, कुछ कुछ आगे बढ़ गई, कुछ आगे बढ़ जाएगी। यार तुम भी ना, एक पिक्चर तक नहीं भेजी है तुमने मुझे अभी तक। अरे मैं क्या करूँ यार, यहाँ का इंटरनेट ही बंद है, पता नहीं कौन लोग हैं, पर तुम फिक्र नहीं करो, मैं वापस आऊंगा ना तो तुम्हें एक मिलवा ही दूंगी। हो सकता है तब तक मेरी भी मंगनी हो गई, चारों साथ में कहीं बाहर चलेंगे। हाँ ऐसा ही करें। ओके अच्छा सुन, शाम को शादी है, मुझे बहुत काम है, तो मैं बाद में कॉल करता हूँ। ओके बाय। अच्छा सुनो। हाँ बोलो बोलो। जल्दी वापस आना। जल्दी आऊंगा मेरी माँ, यू टेक केयर। ओके चल बाय। ओके बाय। लाड साहब घर पर आ गए या अभी भी आवारागर्दी हो रही है? उसको अभी गए हुए दिन ही कितने हुए। हाँ हाँ कोई मसला ही नहीं है, दो चार महीने और लगा ले, अय्याशी करे, बाप का माल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं मेरा मतलब ये है कि शादी खत्म होते ही वापस आ जाएगा, चंद दिनों की तो बात है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ओ भाई उसको ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि मेरे पास हराम का पैसा नहीं है, उसके दोस्तों की तरह अपनी जिम्मेदारी कब उठाएगा वो? और एक बात गौर से सुन लो, तीन दिन में अगर वो घर में नहीं आया तो मैं उसको घर में घुसने नहीं दूंगा, फिर करता रहे वो सारी जिंदगी अशी दर बदर फिरता रहे। रियान रियान तस्वीर तो लो मेरी। और सभी ले रहा हूँ। अरे भाई कहाँ देख रहे हो, जल्दी से लो ना, देखो आज मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, लो ना देखो मैंने इतना अच्छा पोज भी बनाया। अरे रियान देखो कितना अच्छा ड्रेस है मेरा, जल्दी से लो ना अभी सारी रस्में शुरू हो जाएंगी। जी खाला अभी बस, अब एक खाला आप इसे काम क्यों नहीं करती हो? क्या? ये कैमरा अपने पास रखो, तस्वीरें खींच खींच के पागल हो जाओ, कार्ड खत्म कर दो इसका। अरे रियान खींचो ना तस्वीरें, मैं खुद ही लेती हूं। ये दिन ये लम्हे ये मौसम तुम्हारे हैं, इनमें परोए जो सपने तुम्हारे हैं। बरखा बादल सावन भी तुम्हारे हैं, रंग पतझड़ के सारे तुम्हारे हैं। तो समझे ये बैठे थे के हम तुम्हारे से एक रुपया कम नहीं लेंगे हम लोग। जी हाँ। अरे कमाल करे आप लोग, मेरे दोस्त का जूता कोई सोने का नहीं है, बल्कि आप लोग एक काम क्यों नहीं करते, आप लोग जूता अपने पास ही रखो, बारी बारी पहन लिया कर। हम तो अपनी भाभी को लेके जा रहे। आपको जितनी जान लगानी लगा ले, हम जाने नहीं देंगे। इसको नहीं जाने देंगे हमें या अपनी दोस्त? अपनी दोस्त को, और अब तो उसके साथ साथ उस खाने का बिल भी शामिल है, है ना? बात कर दी आपने आन्या जी, खाने का बिल। क्या सर, पैसे निकाल। निकालो पैसे। अरे तो मुझे एक बात तो बता, तुम मेरी साइड से हैं या उनकी साइड से? अरे यार अब तेरी साइड उनकी साइड
तो सब एक ही हो गया ना, क्या फर्क है? ये क्या हो रहा है भाई, 50,000 से रुपया कम नहीं लेंगे हम लोग। अच्छा एक काम करते, फाइनल करते, 50 थोड़ा ज्यादा है, 30 पे डन करते, क्या बोलते है? नहीं भाई, नहीं भाई, अच्छा ठीक है डन, क्या बोलता है? फाइनल, चलिए जी, फाइनल हो गया, ठीक है ये लीजिए, इतना भी चलेगा। चलो भाई ये हुआ आप लोगों का। अच्छा रियान, आनिया क्या कहते हो, एक पिक्चर हो जाए? हाँ हो जाए, पहले जूता वापस करो, चलो चलो चलो, आपका जूता, अरे यार क्यों धुला है, तू क्यों पकड़ा है, चल 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 चलो सब करो, ओ चलो एक पिक्चर हो जाए फिर है, चलो भैया। कि क्या तमाशा लगाया तुमने दानियाल, क्या हो गया तुम्हें, 2 दिन हो गए तुमने कुछ नहीं खाया, मुझे क्यों टॉर्चर कर रहे हो तुम? आप मुझे टॉर्चर कर रही हैं, आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि मैं जोया के बगैर नहीं रह सकता? मुझे समझ में नहीं आता कि उस लड़की ने ऐसा क्या जादू कर दिया तुम पर कि मां से ज्यादा तुम्हें उसकी फिक्र है। देखो दानियाल, तुम्हारे पापा यहां पर नहीं है, मैं इतना बड़ा फैसला अकेले नहीं कर सकती। ये मेरा फैसला है, और आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि अगर मैंने जरा सी भी देर कर दी तो जोया के पेरेंट्स उसकी शादी कहीं और करवा देंगे। कहीं और करवा देंगे, मैं इन लड़कियों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, ये सब इनके हथकंडे होते हैं तुम जैसे लड़कों को प्रेशराइज करने के। मैं आपको किस तरह से समझाऊं कि जोया ऐसी लड़की नहीं है? मेरी बात समझने की कोशिश करो दानियाल। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैं सिर्फ जोया से शादी करूंगा, और अगर मेरी उससे शादी नहीं हुई ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, ये घर छोड़ के चला जाऊंगा मैं। ठीक है, मिल लूंगी मैं उन लोगों से। What? Really? तुम्हारी खातिर मैं जाऊंगी, मिलूंगी तुम्हारी खुशी के लिए, खुश हो? थैंक यू सो मच मॉम, थैंक यू। आई एम श्योर आपको जोया बहुत पसंद आएगी, मैं अभी उसको फोन करके बताता हूँ। Thank you. Hello. Ryan, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? कब आ रहे हो वापस? ये आप पूछ रहे हैं अब्बू? मैं पूछ रही हूँ, तुम 2-3 दिन का कहकर गए थे और तुमने हफ्ते से ज्यादा लगा लिया, ना कोई फोन किया ना तुम्हारी कोई इत्तला। मैंने कहा था ना तुम जल्दी वापस आ जाओ, तुम्हारे अब्बू नाराज हो रहे हैं। बेटा तुम्हारी जॉब? जी जानता हूँ, नाराज है। क्या क्या फर्क क्या है? जॉब से पहले जब मैं कॉलेज में था तब भी नाराज थे, और कॉलेज से पहले जब स्कूल में था तब भी। मुझे तो लगता है मेरे पैदा होने की नाराजगी है जो आज तक उतार रहे हैं। एक तो मैं तुम्हारे और तुम्हारे अब्बा के बीच में पिस के रह गई हूँ, ये बताओ कब आ रहे हो? कल तक आ जाऊंगा मैं, आप अपना ख्याल रखो, मैं फिर बात करता हूँ। आपा आप कुछ भी पहन लें, आप पर सब अच्छा लगेगा। दानियाल की अम्मा पहली बार मिल रही है मुझसे, मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगना है। दानियाल भाई तो आपको पसंद करते ही हैं, ये तो बस एक फॉर्मेलिटी है। हाँ लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसकी अम्मी भी उतना ही पसंद करें। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा मेरी फाइनली दानियाल से बात पक्की हो रही है, इस दिन का इतना वेट किया है मैंने, और मुझे पूरा यकीन है एक बार अम्मी अबू से मिलेंगे ना तो काजम को कन्फर्म भूल जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा, यही पहन लूं? डन। चले मॉम। कहाँ? जोया के घर और कहाँ? लेकिन तुम तो नहीं जा रहे हो। शायद मेरी शादी तय होने जा रही है मॉम,
देखो बेटा, लड़की के घर पहली मरतबा जा रहे हैं ना, तो लड़का साथ नहीं जाता है। पहले बड़ों में बातचीत होने दो, उसके बाद चले जाना। लेकिन मॉम, वो लोग मुझे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन देखो बेटा, मैंने तुम्हारी बात मानी है ना, सो प्लीज अब तुम भी मेरी बात मान जाओ। ठीक है, मैं जोया को फोन करके बता देता हूँ। जानते हो ना दानियाल, मैं जो भी करती हूँ तुम्हारी भलाई के लिए करती हूँ ना बेटा। ऑफ कोर्स मॉम, आई नो, मैं जानता हूँ ये बात। सो ट्रस्ट योर मॉम। जाओ, बेस्ट ऑफ लक। अरे आ जाओ भाई, कितनी देर लगानी है? सब निकल गए, पता है सिर्फ हम ही रह गए। चलो आप तो मुझसे मिलने आई हैं। जी नहीं, मैं सारा से मिलने आई हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहाना बना रही हैं? क्यों, क्या आपसे मिलने के लिए मुझे बहाना बनाना पड़ेगा? हम से नहीं मिल सकते। ऐसे ही क्या, तो ऐसे वैसे जैसे आप कहें वैसे मिल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे आप कराची कब आए? कल। तो एक काम करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, आप टाइम और जगह बता दो, मैं पहुंच जाऊंगा। देखते देखिए, एक और बात भी है, मैंने अपनी दोस्त को आपके बारे में बताया तो वो बहुत एक्साइटेड है आपको देखने के लिए। कौन सी दोस्त? मेरी सबसे अच्छी दोस्त, सबसे प्यार, जोया। आपकी बेस्ट फ्रेंड? माय बेस्ट फ्रेंड। तो जब से बेस्ट फ्रेंड को आपके बारे में बताया बहुत एक्साइटेड है। क्या बताया आपने उसे मेरे बारे में? मैंने बताया उसे कि कोई है जो मिला है मुझसे इस शादी के दौरान, बहुत ही स्पेशल है। आनिया? सारा। आनिया! स्पेशली तुमसे मिलना है तो मैं बाय कहने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्यों, किसकी फॉर्मेलिटीज कब से आ गई हमारे बीच में? हाँ अच्छा, खैर कराची तो आ रही हो ना तुम? कल तक पहुंच जाऊंगी। थैंक गॉड, तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। एक्सक्यूज मी, मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं? अब वैसे मैं क्या सोच रहा था कि हम सब भी कराची जा रहे हैं, अभी कराची जा रहे हैं, हमारे पास गाड़ी में जगह भी है और हमारा सफर भी अच्छा गुजर जाएगा अगर आप हमारे साथ ही चलेंगे। कराची में मुलाकात होगी ना आपसे? आप मुझे इंतजार है। चले चले कहाँ? वो चले, चलो तू चल। लेट्स गो। थैंक यू। आप कुछ लीजिए ना। नो थैंक्स। देखें, दानियाल मेरा इकलौता बेटा है। MBA कंप्लीट करने के बाद वो अपने डैड का बिजनेस संभालेगा, हमें बहुत उम्मीदें हैं उससे। ये मेरी बेटी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन सी वाली है? जी मैं सोया। तो मैं ये कह रही थी कि दानियाल को बहुत मेहनत करने की जरूरत है अभी। इस उम्र के बच्चों को तो जिंदगी की शुरुआत में मेहनत करनी ही पड़ती है। ठीक कहा आपने, लेकिन आपकी बेटी को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोच समझकर ठीक ठाक जगह हाथ मारा है इसने। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं यहाँ सीधी बात करने के लिए आई हूँ। मैं अपने बेटे दानियाल का रिश्ता यहाँ हरगिज नहीं करूंगी।
ये क्या कह रही हैं आप? जो आप सुन रही हैं, मैं यहाँ सिर्फ दानियाल की जिद की वजह से आई हूँ, क्योंकि उसने मुझे मजबूर किया था, वरना मैं तो पहले दिन से इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। तो क्या जरूरत थी आपको यहाँ आने की? हमें बेइज्जत करने के लिए आई हैं आप यहाँ? मैं आपको ये बात समझाने के लिए आई हूँ कि अपनी बेटी का रिश्ता अपने बराबरी वालों के साथ कीजिए और दानियाल के ख्वाब देखना छोड़ दीजिए। आपने कह दिया और हमने सुन लिया, अब आप तशरीफ ले जा सकती हैं यहाँ से। उम्मीद करती हूँ कि अब आप अपनी बेटी को काबू में रखेंगे। चली जाइए यहाँ से। जलील का हक रख दिया तुम्हारी औलाद ने। क्या किया आपने? तो खबर दे दी उसने तुम्हें? आपको मैंने वहां पे क्या करने भेजा था और आप क्या करके आ गई हैं? मैंने वही किया जो कि मुझे करना चाहिए था। आप इसीलिए उन लोगों के घर जाने के लिए राजी हुई थी? मेरी जिंदगी बनाने की बजाय तबाह करने गई थी? दानियाल बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं थी, मैंने जो ठीक समझा वही किया बेटा, समझने की कोशिश करो। कुछ नहीं जानती हैं आप, मेरी जिंदगी तबाह कर दी आपने। जोया इज माय लाइफ। होश में आओ, ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। अब आप कुछ भी कर लें, मैं आपको जोया से शादी करके दिखाऊंगा। दानियाल, कमाल आप फौरन पाकिस्तान आए। बस करें आप। ये थी तुम्हारी पसंद? पापा, दानियाल बहुत शर्मिंदा है, उसे कुछ भी नहीं पता था। पापा वो आपसे माफी मांगना चाहता है। चुप रहो जोया, हमें किसी से नहीं मिलना। इतने बदतमीज लोगों में हमें कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। अम्मी, दानियाल ऐसा नहीं है। होश में हो तुम? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? उसकी माँ हमारे घर आके इतनी बदतमीजी करके गई है, अब तो किसी सूरत उसके बेटे से तुम्हारा रिश्ता तय नहीं होगा। अम्मी, आज तक किसी ने मुझसे इस तरह बात नहीं की, और वो भी मेरे घर में घुस के मेरी फैमिली के बारे में। मेरी खुददारी को जिस कदर ठेस पहुंची है, सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। भूल जाओ सब, उसके साथ तुम्हारी शादी हरगिज नहीं हो सकती, समझो तुम। तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ काजिम के साथ, बस। बाबा, पुराने ख्यालात के लोग हैं। तुम्हारे माँ बाप को जोया कबूल नहीं, और हमें तुम अपने माँ बाप के बगैर कबूल नहीं। ये कैसी नाइंसाफी है अंकल? बस ऐसे ही। तुम्हें क्या लगता है माँ बाप की सपोर्ट के बगैर ये दो दिन भी रह सकता है? उल्टे कदमों वापस आएगा। मैं वापस नहीं आऊंगा। जड़ के सारे तुम्हारे हैं, जाने क्यों कब कैसे
बने अजनबी ऐसे जाने क्यों कब कैसे हुई बेरुखी ऐसे क्यों जमी फिसले जाए है पैरों तले।